डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर टॉपिक में ऑलरेडी हम लोग कंपोनेंट दिया था तो उसका रिजल्टेंट फाइंड किए थे, जो बहुत बेसिक छोटी छोटी बातों को हमने वहां बताया था, जिसमें ऑलरेडी टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल दोनों कॉन्सेप्ट हमने बताया था। अब आगे वेरी इंपॉर्टेंट, जिस तरह से हम लोग दो वैक्टर का एडिशन पढ़े थे, दो वैक्टर का सब्ट्रैक्शन पढ़े थे, उसी तरह से अब दो वैक्टर का मल्टीप्लीकेशन पढ़ना है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। मल्टीप्लीकेशन दो प्रकार का होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान दो ना, दोनों वेक्टर होना मस्ट है, दो वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल है। हाँ, डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होता है और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहा जाता है और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहा जाता है। तो पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, फिर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट पढ़ के उसके क्वेश्चंस कर लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ के उसके क्वेश्चंस कर लेंगे। असाइनमेंट्स हम होमवर्क दे देंगे, सारे क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर वेक्टर से रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट, अभी रिलेटिव वेलोसिटी टॉपिक में पढ़ना है, रिवर फ्लो बोट मोशन पढ़ना है, चेंज इन वेलोसिटी, तीन पॉइंट अभी और इस टॉपिक में लोगों को पढ़ना है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स आर टू टाइप्स, दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन टू प्रकार टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट डॉट प्रोडक्ट, जैसे ए डॉट बी, देख रहे हो डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यहां डॉट लगा है, ये डॉट प्रोडक्ट कहेंगे, और ये डॉट प्रोडक्ट तभी होगा जब ये दोनों वेक्टर होंगे। लेकिन दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। और सेकंड हम लोग को जो स्टडी करना है वो स्टडी करना है क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट होगा वेक्टर क्वांटिटी, ये है। इससे एकदम क्लियर हो रहा है कि मल्टीप्लीकेशन कैसे हम लोग को पढ़ना है, डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। आओ अब हम लोग हेडिंग लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। फर्स्ट डॉट प्रोडक्ट, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट को बढ़िया से सीख लेना चाहिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये पूरे फिजिक्स में यूज होते हैं, और छोटी छोटी बातें यहां पर सीखने को मिलती हैं, तो क्वेश्चन कराया जाएगा तो और ज्यादा ये क्लियर होगा। पहले इसके सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे,
सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद से तब जाके इस पे क्वेश्चन जब करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। अब जैसे हम यहाँ पर दो वेक्टर बना रहे हैं किसी थीटा डिग्री पर, ये देखो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये दोनों थीटा डिग्री पर हैं। अब इन दोनों वेक्टर का एडी हम लोग पढ़ चुके हैं, देखो दोनों वेक्टर का एडिशन पढ़ते थे, तो एडिशन में ये एडिशन होता था, फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन पढ़ते थे तो ये इसका सब्ट्रैक्शन होता था, पैरेललोग्राम बनाते थे तो वन डायगोनल गिव्स एडिशन, अदर डायगोनल गिव्स सब्ट्रैक्शन। लेकिन यहां हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है, तो डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर क्वांटिटी, तो दो वेक्टर के जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो इट हैव नो एनी डायरेक्शन, इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट में केवल मैग्नीट्यूड होता है, अर्थात न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए यहां कोई डायरेक्शन ही नहीं देखना है। तो स्टूडेंट से पूछा जाता है कि बताओ इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट का डायरेक्शन बताओ, तो कहता है डॉट प्रोडक्ट डायरेक्शन इधर होगा, बाहर होगा, अंदर, जो इच्छा वो बोल देता है। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए बोलना चाहिए इट हैव नो एनी डायरेक्शन, ये स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन कहां से आएगा। तो जो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है, देख लो ए डॉट बी, ए डॉट बी का वैल्यू कितना होता है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट इसको पढ़ा जाता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस इनके दोनों के बीच का एंगल थीटा। यह ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये देखो याद रखना बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉट प्रोडक्ट का यही कॉन्सेप्ट होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये ए का मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी न्यूमेरिकल, कहीं डायरेक्शन नहीं है, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट होता तो होता ए बी साइन थीटा, लेकिन उसमें डायरेक्शन भी होता है, उसमें एन कैप भी साथ में लिखा जाता है। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इट हैव नो एनी डायरेक्शन, इट हैव नो एनी डायरेक्शन, डॉट प्रोडक्ट में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अब यहां से देखो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, देखो ए बी कॉस थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, और बी ए कॉस थीटा मतलब बी और ए का डॉट प्रोडक्ट, देखो बी ए कॉस थीटा मतलब बी और ए का डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए, देख लो ए डॉट बी ये इक्वल होता है बी डॉट ए, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों इक्वल होता है, चाहे ए डॉट बी फाइंड करो चाहे बी डॉट ए फाइंड करो, न्यूमेरिकल वैल्यू वही उतना आएगा, डायरेक्शन होता नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब उसके क्रम को चेंज कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम आता है लेकिन डायरेक्शन उसका अपोजिट हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, इट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, इट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्रम को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो वेरी इंपॉर्टेंट, यही याद रखना पड़ता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगेन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो देख रहे हो, दो वेक्टर्स के बीच अगर एंगल फाइंड करना हो तो डॉट प्रोडक्ट से दो वेक्टर्स के बीच एंगल बड़ा आसानी से आ जाता है। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी। देखो इसके हेल्प से, डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से दोनों वेक्टर्स के बीच थीटा अर्थात एंगल फाइंड किया सकता है। दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, ए के मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो कॉस थीटा आ जाएगा, जब कॉस थीटा आ जाएगा तो एंगल भी आ ही जाएगा। ठीक है, कुछ और बातें यहां पर देखो। अगेन चूंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो दो वेक्टर्स के बीच डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है, और एंगल पे किससे डिपेंड करता है, साइन थीटा के साथ कि कॉस थीटा के साथ, तो कॉस थीटा के साथ डिपेंड करता है। क्रॉस प्रोडक्ट होता तो साइन थीटा होता, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है। तो फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, तो ऐसे में कॉस जीरो का वैल्यू होता है वन, तो ऐसे में जो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आएगा इसका वैल्यू वन हो जाएगा, तो हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर्स जीरो डिग्री पर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट होगा ए इंटू बी। अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो तो कॉस एक्स 80 का वैल्यू माइनस वन, तो ऐसे में दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट माइनस ए बी आएगा, नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट। इस समय देखो नेगेटिव आएगा, इस समय पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो, बहुत ज्यादा यूज है इसका, तो कॉस 90 का वैल्यू जीरो। 90 डिग्री के मतलब ये ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों परपेंडिकुलर हों, ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हों, तो ऐसे में दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये वैल्यू पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जबरदस्त हेल्प करेगा। कहीं भी क्वेश्चन में दे दे कि दो वेक्टर आपस में राइट एंगल पर हैं, परपेंडिकुलर हैं, ऑर्थोगोनल हैं, तो आंख बंद करके दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैक्सिमम क्वेश्चन को क्या करा देगा, सॉल्व करा देगा। जब भी दो वेक्टर को 90 डिग्री पर देखो तुरंत उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो करने का प्रयास करो, डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो, कोई ना कोई रिजल्ट इसमें जो आना होगा वो निकल के आ ही जाएगा। तो इसके लिए कहता है कि दो वेक्टर दे देगा, कहेगा दोनों 90 डिग्री पर हैं, दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल हैं, दोनों वेक्टर राइट एंगल हैं, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो करके कई रिजल्ट्स फाइंड किए जा सकते हैं।
अभी ये सब डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट चल रहा है, डॉट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट फिनिश करके तो इस पर क्वेश्चन कराएंगे, तब क्रॉस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बता के तब उस पर क्वेश्चन कराएंगे, दोनों पे होमवर्क भी देंगे। नेस्टेडिंग, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, जो यूनिट वेक्टर्स हैं आई कैप, जे कैप और के कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट आई जे के का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है उसको देखेंगे। देखो एक्स वाई और जेड ये तीनों एक्सेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इधर होता है आई कैप, इधर होता है जे कैप, इधर होता है के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप तीन यूनिट वेक्टर होते हैं, तीनों आपस में 90 डिग्री पे होते हैं सबको पता है, तो इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, देखो इनका डॉट प्रोडक्ट, खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो तुम खुद ही बताओ आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के कितना होगा, सोच के बताओ, या तो वन होगा या तो जीरो होगा। तो आई डॉट आई मतलब आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, जैसे ये आई है तो दूसरा आई भी इधर ही होगा, दोनों आई सेम डायरेक्शन में है, यानी जीरो डिग्री पर है, कॉस जीरो का वैल्यू वन, और होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो यहां पे होगा आई इन आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस जीरो, तो आई का मैग्नीट्यूड हो गया वन, फिर आई का मैग्नीट्यूड हो गया वन, कॉस जीरो का वैल्यू वन, इसलिए आई डॉट आई इजकल टू वन, जे डॉट जे इजकल टू वन, के डॉट के इजकल टू वन, ठीक है। तो आई डॉट आई का वैल्यू वन होता है, जे डॉट जे का वैल्यू वन होता है, के डॉट के का वैल्यू वन होता है। लेकिन अब कहा जाए कि आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, अब बताओ, तो तुम खुद देख रहे हो कि ऐसे दो वेक्टर जो आपस में 90 डिग्री पर हों उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो आई डॉट जे, देखो ये आई है, ये जे है, ये दोनों कितने डिग्री पर है, 90, और कास 90 का वैल्यू जीरो, इसलिए एक का दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमेशा जीरो आता है, क्योंकि कास 90 का वैल्यू जीरो। I dot j is equal to 0, j dot k is equal to 0, k dot i is equal to 0, j dot i is equal to भी 0 होगा, k dot j is भी 0 होगा, i dot k भी 0 होगा, क्योंकि ये तो commutative law को क्या करता है, follow करता है। तो देखो खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, खुद का दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, यहाँ ये 0 डिग्री पर होंगे और यहाँ ये 90 डिग्री पर होंगे, तो ये 1 आता है और ये क्या आता है, 0 आता है।
अब देखो, अब दो वेक्टर दे देगा, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा। जैसे वेक्टर ए इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप देन टू डिटरमाइन ए डॉट बी। देख रहे हो, वो जो टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल कांसेप्ट हमने बताया था, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया था, वो सब यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहां पर? तो दो वेक्टर दे देगा, इनके बीच एंगल एंगल देखो कुछ नहीं दिया है, फिर डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो यहां ये नहीं कब ए बी कॉस थीटा से फाइंड करो, ए बी कॉस थीटा से तो वहां डॉट प्रोडक्ट तुम फाइंड करोगे जहां दोनों वेक्टर के बीच एंगल दिया रहेगा। यहां देखो एंगल नहीं दिया है, वेक्टर फॉर्म में सब दे दिया है आई जे के में। अब यहां डॉट प्रोडक्ट निकालना है, इसे चुटकी बजा के सॉल्व होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यहां पर फाइंड करना है। ए डॉट बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ब्रैकेट लगा दो, डॉट प्रोडक्ट बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। देख रहे हो, इन दोनों का, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब देखो, एक तो तरीका है कि खूब इसको झेलो। देखो, इसका इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो, प्लस इसका फिर इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट, प्लस इसका इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड करो। चलो कर लिया, फाइन, अच्छी बात, लेकिन ये बड़ा लेंदी जाएगा। जब ऐसा तुम करोगे तो एक सिंपल सा रिजल्ट आएगा, वो सीखा जाता है, उसी से बुक में भी सब साल करने का मेथड दिया है। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है तो सीधे सीधे आई और आई के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन कर दो, प्लस जे और जे के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन कर दो, प्लस के और के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन कर दो। मतलब डॉट प्रोडक्ट ऐसे एक चुटकी बजा के सॉल्व करो। कैसे? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करोगे तो आएगा ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। आ गया, सॉल्व हो गया। यह है डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करने का मेथड। मतलब एक तो तरीका है कि भाई चलो इसका सबके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो, प्लस इसका इसके साथ आधा पेज सॉल्व करो, तो अंत में वही आएगा ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। तो डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करने का ये मेथड जानना चाहिए, ट्रिक जानना चाहिए। इसी मेथड से हमेशा डॉट प्रोडक्ट सबको सॉल्व करना है, स्कूल में के एग्जाम में, कंपटीशन में, बुक में जितने क्वेश्चंस दिए हैं, एनसीईआरटी में दिए हैं, चाहे जहां भी दिए हैं, इसी मेथड से आपको डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना है। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू आई और आई के कोएफिशिएंट का रिलेशन। देखो ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, यह है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का यह कॉन्सेप्ट है। इसमें देखो कहीं आई जे के नहीं आता है सॉल्व करने पर। दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कौन सी क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, इट हैव नो एनी डायरेक्शन। ये जानना चाहिए, ये जो डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करने का मेथड जानता है, डॉट प्रोडक्ट को इसे चुटकी बजा बजा सॉल्व करता है। हमेशा चाहे जहां का भी एग्जाम देना हो, इसी मेथड से डॉट प्रोडक्ट हमको सॉल्व करना है। फिर से सुनो, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। यहां अगर माइनस वाइनस लगा है तो माइनस भी हम लेके चलेंगे, साइन के साथ उसका वैल्यू क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अभी जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो अच्छा लगेगा।
अब डॉट प्रोडक्ट के कुछ एग्जांपल्स, डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल जानना बहुत जरूरी है। एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का सबसे फर्स्ट एग्जांपल, खूब ज्यादा इस पे क्वेश्चन कराएंगे, वर्क डन खूब आता है क्वेश्चन इस पे। देखो वर्क डन डब्लू ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होगा, फोर्स दिया रहेगा और डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो तुरंत वर्क डन आ जाता है। सेकेंड पावर, पावर P इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर और वेलासिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, फोर्स वेक्टर वेलासिटी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से पावर आता है, ठीक है। इसका जो यूनिट होगा ये होगा जूल, इसका यूनिट क्या होगा वाट, देख रहे हो। थर्ड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर में वी डॉट वी आता है, इसका भी यूनिट क्या होगा जूल होगा, ठीक है। तो ये वर्क डन के वो एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट के वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इसी पे क्वेश्चंस जबरदस्त आप लोगों को मिलेंगे। जहां भी देखो क्वेश्चन, कहीं पावर का दिया रहेगा, कहीं वर्क डन का दिया रहेगा, काइनेटिक एनर्जी का दिया रहेगा, हम सब पे क्या कराएंगे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो ये जानना चाहिए। ये देखो हो गया क्या वर्क डन, ये हो गया पावर और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम क्वेश्चन किस में मिलेगा डियर आप लोगों को, मैक्सिमम क्वेश्चन वर्क डन पर मिलेगा। ठीक है, तो दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का कांसेप्ट क्या हो गया फिनिश हो गया। अब अगले वीडियो लेक्चर में पूरे लेक्चर हम डॉट प्रोडक्ट पे क्या कराएंगे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। डॉट प्रोडक्ट में केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, दोनों के बीच के एंगल थीटा कॉस थीटा पे डिपेंड करता है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। इट हैव नो डायरेक्शन, इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालने का एक और मेथड बताया हमने, अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री से डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। वर्क डन, पावर, काइनेटिक एनर्जी, ये सब का सब किससे सॉल्व होते हैं डॉट प्रोडक्ट से। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सब के सब डॉट प्रोडक्ट से क्या होते हैं सॉल्व होते हैं। अब अगले वीडियो लेक्चर में इस पे पूरे लेक्चर हम डॉट प्रोडक्ट पे क्या कराएंगे क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन फिनिश कर देंगे, फिर होमवर्क दे देंगे और उसके बाद से फिर पढ़ना रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट। ओके।